हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 29 के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपने इसे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। साथ ही साथ अभी तक हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? टू टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O, है ना। सेंटर कितना दिया? O दिया है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T। तो ऐसा करते हैं ना, पहले एक सर्कल बना लेते हैं। ये रहा हमारा एक घटिया सा सर्कल, है ना। सपोज कर लो कि ये ठीक ठाक सर्कल है ना, है तो नहीं बट चलो सपोज करने में क्या जाता है। ये हमारा एक सर्कल है, इसका सेंटर दिया है O है, ठीक है। वही मेनली सर्कल का सेंटर होता है, ठीक है। और टू टेंजेंट्स TP एंड TQ ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट T, ठीक है। यानी कि अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट सपोज करो कि ये हमारा T पॉइंट है, तो यहां से क्या किया गया है, दो टेंजेंट्स जो है उसको ड्रॉ किया गया है, कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से, ठीक है। चलो अच्छी बात है, तो इसका नाम लिख दिया था एक्सटर्नल पॉइंट T है, और यहां से दो पॉइंट यानी कि ये TP हो गया और ये हमारा TQ हो गया, ठीक है। तो प्रूव दैट PTQ यानी कि यहां वाला एंगल जो है वो डबल है किसका, OPQ यानी कि यहां पर बनने वाले एंगल के, ये वाला एंगल, ये कुछ एंगल आपको दिखा रहा होगा, यहां वाला एंगल जो है, यहां वाला जो एंगल है वो एंगल इस वाले एंगल के सिंपल फॉर्म में क्या है, डबल है, ठीक है। तो OPQ का डबल है, तो ऐसा करते हैं ना, किसी को लेट कर लेते हैं, लेट एंगल OPQ इज इक्वल्स टू X। इसको हमने क्या ले लिया, X लेट कर लिया। अगर ये एंगल हमारा X है और यहां से यहां तक का टोटल एंगल 90 डिग्री होता है ना, यहां से यहां तक का टोटल एंगल 90 होता है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि एंगल TPQ यानी कि ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, तो क्या बोलोगे, सर 90 में से X माइनस कर देंगे, तो इसका मतलब लिख देंगे देयरफॉर एंगल एंगल TPQ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 90 माइनस एक्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा, और आपको पता है कि ये साइड जो है यानी कि TP और TQ क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर एक सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो उसका लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। यानी कि जो लेंथ ये होगा वही लेंथ हमारा ये भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे एंड 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 एंगल TQP एंड एंगल कौन सा TQP, ये भी हमारा कितना होगा, दैट इज 90 माइनस एक्स, कितना होगा बता दो, 90 माइनस एक्स। ये क्यों हुआ, तो सिंपल फॉर्म में हम लोग जानते हैं, क्योंकि होता है TP इक्वल्स टू TQ, है ना, क्योंकि टेंजेंट्स हमारे पास इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये एंगल निकल चुका है, ये एंगल निकल चुका, जो कि कितना है 90 माइनस एक्स, तो तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो बस यही फॉर्मूला लगा देंगे, तो लिखेंगे यूजिंग यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे किसमें, तो इन ट्रायंगल कौन से PTQ, इन ट्रायंगल PTQ, है ना, इसमें तो क्या हो जाएगा, एंगल P प्लस एंगल T प्लस एंगल Q इज इक्वल्स टू कितना, 180 डिग्री, इज इक्वल्स टू कितना, 180 डिग्री। एंगल P ये देखो कितना है, 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स। एंगल टी को आप ये भी लिख सकते हो PTQ, तो इसको हम लोग लिख ही दे गया PTQ, ठीक है। प्लस एंगल क्यू कितना है, ये भी हमारे पास वही आया है 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री, इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। ऐड कर दो 90 प्लस 90, 180, ठीक है। और माइनस एक्स और माइनस एक्स, माइनस 2x, ठीक है। और उसके साथ साथ प्लस एंगल कौन सा PTQ इज इक्वल्स टू कितना, 180 डिग्री। ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, और ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल PTQ इज इक्वल्स टू 180, ये प्लस में इधर गया तो माइनस में, और ये माइनस में इधर आया तो प्लस में। अब ये दोनों क्या हो गए, आपस में ही मर गए, है ना, ये दोनों मर गए, तो क्या आ जाएगा, एंगल PTQ इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एक्स, ठीक है। या फिर एंगल PTQ इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एक्स, किसको आपने लेट किया है,
तो सर ये हमने लेट किया था ओ पी क्यू को, और क्या यही हमें प्रूव्ड करना था? बिल्कुल हाँ, यही हमें प्रूव्ड करना था, एंगल पी टी क्यू इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से इसका आप सॉल्यूशन कर सकते हो। ये ज्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन था, एनसीईआरटी बेस्ड ये हमारा क्वेश्चन देखने को मिला था। देन आई होप कि ये पार्ट भी आपको क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 30 के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे।